Welcome dear students in this video lecture we will read and enjoy a poem that is sympathy by Charles Mackay so let's start I lay in sorrow deep distressed my grief a proud manhood his looks were cold he gave me gold but not a kindly word my sorrow passed i paid him back the gold he gave to me then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. What is sympathy? सिम्पथी इज़ ए फीलिंग ऑफ़ पिटी और सेंस ऑफ कम्पैशन और यू कैन से सिम्पथी इज़ ए फीलिंग ऑफ़ पिटी एंड सारो फॉर समल्स मिस फॉर्च्यून इस पॉइम में पॉइट जो है एक इंसिडेंट बयान करता है और उसके और उसके दो डिफरेंट आउटकम्स निकलते हैं दो कंट्रास्टिंग आउटकम्स निकलते हैं सेम इंसिडेंट बट टू कंट्रास्टिंग आउटकम्स आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड माय ग्रीफ ए प्राउड मैन मैं लेटा था पोइट कहता मैं लेटा था दुख में बुरी तरह परेशान था माय ग्रीफ ए प्राउड मैन मेरी सुनी एक गमंडी ने एक अमीर आदमी ने एक गमंडी आदमी ने हिज लुक्स वेर कोल्ड ही गेमी गोल्ड उसकी आंखें रूखी थी यानि बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी उन, उनकी आंखों में हमदर्दी नहीं दिखती थी हिज लुक्स वेर कोल्ड ही गेमी गोल्ड उसकी आंखें थी रूखी उसने दिया मुझे सोना बट नाट ए काइंडली वर्ड लेकिन न बोला एक भी लफ्ज़ हमदर्दी भरा यानि उसने सोना दिया यानी पैसे दिए लेकिन हमदर्दी का एक भी लफ्ज़ न बोला माई सारो पास्ट आई पैड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी गुज़र गया मेरा दुख लौटा दिया मैंने उसे सोना जो उसने दिया था मुझे माई सारो पास्ट आई आई पैड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी मेरी परेशानी यानी ख़त्म हो गई मेरा गम जो था वो गुजर गया मेरा दुख गुजर गया आई पैड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी मैंने उसे उसका वो सोना लौटा दिया वापस कर दिया देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी फिर होकर खड़ा मैंने उसका शुक्रिया अदा किया मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने जो खैरात मुझे दी थी उसके लिए मैंने उसे दुआएं दी चैरिटी खैरात यानी उसने जो मुझे खैरात दिया था यानी सोना दिया था मैंने उसको एक वापस किया वो सोना वापस लौटा दिया और उसको शुक्रिया भी किया और उसकी जो ये चैरिटी थी यानी जो उसने खैरात मुझे दी थी उसके लिए उसको मैंने दुआएं भी दी ये एक इंसिडेंट यह सेम इंसिडेंट है आ, लेकिन इसका एक आउटकम निकलता है अब दोबारा दु, यही इंसिडेंट है तो दूसरा उसका आउटकम निकलता है डिफरेंट आउटकम आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन ए पोअर मैन पास्ट माई वे मैं पढ़ा था गरीबी में दुख में और दर्द में मैं पढ़ा था गरीबी में दुख में और दर्द में ए पोअर मैन पास्ट माय वे गुजरा एक गरीब मेरी राह से गुजरा एक गरीब मेरी राह से ए पोअर मैन पास्ट माय वे ही बाउंड माय हेड ही गेव मी ब्रेड ही वॉस्ट मी डे एंड नाइट उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी और उसने मुझे दिन रात मेरी देखभाल की ही वास्ट मी नाइट एंड डे उसने मेरी देखभाल दिन रात की हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही टू मी कैसे चुका पाऊँगा कर्ज उसका मैं उस सब के लिए जो उसने मेरे लिए किया यानी यहाँ पे अब जो पॉइंट है ये सोचने लगता है कि मैं उसका उस पहले वाले आदमी का तो उसने सोना लौटा दिया लेकिन इसका कर्जा कैसे चुकाऊँगा जो इस गरीब आदमी ने मे मेरी देखभाल की दिन रात जो उसने मेरी खिदमत की हमदर्दी के साथ जो उसने मेरी हमदर्दी जो उसने मेरे साथ हमदर्दी जताई उसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊँ फॉर ऑल ही टू मी ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी ओह सोना तो अहम होता है सोना तो इम्पॉटेंट होता है सोने की तो वैल्यू होती है लेकिन सोने से भी बढ़कर जो है वो हमदर्दी होती है हेवनली हेवनली हेवेलीमीन डिवाइन क्योंकि ये खुदा की तरफ से हैवेलीमीन डिवाइन जो खुदाई जो हमदर्दी है यानी हमदर्दी जो है ये क्वालिटी जो है ये सोने से भी यानी दौलत से भी बढ़कर है ये था एक इंसिडेंट जो है इस पोएम में पोइट बयान करता है और उसके दो कंट्रास्टिंग आउटकम्स निकलते हैं एक अमीर आदमी का यानी गमंडी आदमी का और एक निकलता है इस गरीब आदमी का सिंपथी जो है इट डज़ नॉट हैव फिज़िकल मैनिफेस्टेशन इसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन नहीं यहाँ पे जो गर, अमीर आदमी होता है वो एक भी वो सोना तो देता है चैरिटी तो देता है लेकिन एक भी वर्ड वो हमदर्दी वाला नहीं बोलता है यानी करेज वाला जो है वो वर्ड नहीं कहता है देखिए चैरिटी दो तरीक़े की होती है एक तो जो फाइनेंशियल हेल्प होती है यानी फिज़िकल जो हम कहेंगे दूसरी होती है इमोशनल इमोशनल जो है वो आ, सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी चैरिटी वही होती है हमदर्दी यानी जब कोई हमदर्दी किसी के साथ करता है तो उसको वो करेज मिलती है स्ट्रेंथ मिलती है